तुम्हारा राजू, हमारा खोया हुआ युवराज, जब मेरी ममता को पता चलेगा कि उसका बेटा जिंदा है, उसे एक नई जिंदगी मिल जाएगी। अव्वल तो मेरे राजू से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बगैर मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। मेरी सांस है वो, मेरी धड़कन है वो, लेकिन वो मेरा खून है। खून? किस खून की बात कर रहे हो तुम? तुम्हारा बच्चा जब एक साल का था तो 5 किलो का होगा, मेरा बच्चा 30 किलो का है। उसकी रगों में मेरा पसीना खून बन के दौड़ रहा है। उसके जिस्म में जो बरकत आई है वो मेरे कमाई की है, मेरे मेहनत की है। मैं देखता हूं मेरा बच्चा मुझसे कौन अलग कर सकता है। अब समझने और समझाने का वक्त गुजर चुका है। ये लो, ये सारी दौलत ले लो और अपने लिए एक लोहे की फैक्ट्री खड़ी कर दो। और ये लो ये चेक, और इसमें ऐसी रकम लिख दो ताकि तुम्हारे 7 पुश्तों तक गरीबी की हिम्मत न हो कि तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे सके। लेकिन 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 मुझे मेरा बेटा लौटा दो, मुझे मेरा बेटा लौटा दो। बाप होकर बाप का सौदा करते हो। चलो, हमने आपकी ये दौलत ले ली और अब हम आपकी ये दौलत वापस देते हैं। सारी जिंदगी हम आपका गुलाम बनकर जिएंगे, उसके बदले में हमें वो बच्चा वापस दे दीजिए। अरे वो बच्चा तो दूर की बात है, वो कमरे में जो पालना पड़ा हुआ है वही हमें दे दीजिए, जिसके अंदर आपकी पत्नी की ममता कूट कूट के भरी हुई है। दे सकोगे आप? दे सकोगे? वो बच्चा तुझे